हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के दिन हम स्केरी सीट्स ट्राई करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितनी डरावनी और कितनी क्रीपी है ये सारी सीट्स। फटाफट से ट्राई करते हैं, सो लेट्स गो। ये रही हमारी पहली सीट आज की, चलते हैं फटाफट से और देखते हैं कि इसमें क्या खतरनाक और डरावना है। तो हम स्पॉन हो जाते हैं एक पथरीले इलाके में जहाँ पे कुछ और से हमें दिख रही है। बट ये क्या, यहाँ का मौसम थोड़ा अजीब क्यों हुए। ठीक है, सामने बड़ी चट्टान दिख रही है हमें, बट ये क्या है वहाँ सामने की तरफ। ओके, जानवर है ढेर सारे। तो हम थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या, यहाँ पर ये हवा में उड़ रहा है। वैसे आए थे यहीं पर तो नहीं घोस्ट स्पॉन होते हैं, रात को होते भी हो तो क्या पता। वैसे यहाँ पे आयरन और वगैरह तो ऐसी पड़ी हुई है, कोई छू भी नहीं रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इतनी आसानी से सारी चीजें कैसे मिल सकती है यहाँ पे इनको। बट ये क्या, इतना बड़ा फ्लोटिंग आइलैंड यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, इतना मतलब यहाँ पे आया ही कैसे ये। और यहाँ पे इस नदी को देखो, यहाँ पे बह रही है, यहाँ पे पर पानी कैसे डाला वहाँ जाके, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मोटर वोटर लगाइए क्या, वैसे लगा भी सकते हैं, भूत है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। और सामने की तरफ वहाँ पे दिन के टाइम भी इतने सारे मॉब्स है। ओ, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सी चीज है और डरावनी भी, क्योंकि इनके ऊपर धूप पड़ रही लेकिन ये जल नहीं रहे। तो शायद यहाँ पे एक घोस्ट राज करता है, उसी की पावर है, इन सबको उसने इनकी जान दे के रखी है। वैसे इस स्केरियस आइलैंड को देखो, ऐसे ही लग रहा है कि किसी भूत का बिल्कुल ही वो हो गन। और ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे बिल्कुल ही दीवार बनी हुई है भाई इसकी, मतलब यहाँ पे सेपरेशन किया हुआ है। और सामने की तरफ यहाँ पे एक विलेज है, जिसमें पहले में एक पत्थर का इलाका दिख जाता है। ओके, वैसे विलेज इतना अजीब क्यों दिख रहा है मुझे, बिल्कुल पतली सी गली क्यों गई है भाई यहाँ से, यहाँ पे विलेजर्स भी घूम रहे हैं। एक सेकंड, ये सामने की तरफ क्या था यहाँ पे, हेलो, ये कैसा घर है भाई, अजीब सा, बीच में इतने सारे पेड़ों से घिरा हुआ है ये, इसमें तो नहीं रहता घोस्ट कहीं। चल के देखते हैं फटाफट से। वैसे कांच की खिड़की में तो ये किसने झांका अभी, हेलो कोई है क्या यहाँ पे, कोई नहीं, यहाँ से तो विलेजर निकला भाई। हेलो, तू कहाँ पे, तू क्या कर रहा है अंदर, ये तो शरबत बना रहा है, खैर तू बना के पीते रहे, हम तो जा रहे हैं बाहर। विलेजर ये नल्ले क्यों घूम रहे हैं यहाँ पे ऐसे, इनका कुछ काम धंधा नहीं है क्या। हेलो भाई, सही में इन पे काम नहीं है, मतलब ये तो बेरोजगार है। तो अगर यहाँ पे हम घर बना के रहे, शायद यहाँ का घोस्ट आके हमें परेशान तो नहीं करेगा, हो सकता है कि करे। बट उससे पहले हम यहाँ से गायब हो जाते हैं और दूसरी सीट की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। तो ये रही हमारी अगली सीट जिसपे हम जाने वाले हैं। वर्ल्ड लोड हो रहा है, देखते हैं कि कहाँ लेके जाता है ये हमें, और उसमें से क्या इस कह रही है कि इतने डरावनी सीट पे उसका नाम लिखा हुआ है। खैर, वो तो हमें जाके पता चलेगा। ओके, यहाँ पर एक डॉग घूम रहा है। ओ शिट भाई, इनको अचानक देख के मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो गए, गायब हो गए। हेलो भाई, डर गया था अचानक, शिट ये तो सामने कैसे आ सकते है भाई, मेरे सही मेरे रू में खड़े हो गए हाथ के इनको देख के अचानक। खैर, यहाँ पर सामने की तरफ भेड़े बकरी वही है सेम। यहाँ पर इतनी अजीब सी जगह क्यों बनी है, और ये किसका नक्शा बना है भाई, आधी चीजें तो यहाँ पे हवा में उड़ रही है अभी भी, और यहाँ पे पानी, ये किसका मुंह बना है इतना बड़ा, शायद घोस्ट का मुंह तो नहीं है, मतलब तुम देखो अगर तुम्हें ऐसा भूत जैसा दिख रहा है क्या, पता नहीं यार मुझे क्यों दिख रहा है ऐसा अजीब सा। और यहाँ पे दिन के टाइम पे अभी मॉब्स ही मॉब्स है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ का पानी थोड़ा मटमैला रहता है, थोड़ा साफ कैसे है, शायद भूत पीता होगा यहाँ पे आके पानी, तो उसे साफ करके रखा है, मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो और भी, यहाँ का पानी कुछ ज्यादा ही साफ है, पहले वाला थोड़ा गंदा भी था। ये मुझे लग रहा है कि दफन हुई नाव है, एक सामने की तरफ भी है, बट ये इतनी उठी हुई क्यों है, और बिल्कुल किनारे पे लगी है भाई ये, इसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे। एंड या इस नाव को देखो एक बार तुम, चलो इसके अंदर चल के देखते हैं हम। इसकी चेस्ट में हमें एक बड़ी ट्रेजर मैप मिला है, यहाँ पे एक और चेस्ट है, इसमें लेदर बूट्स मिल गए भाई, ये पॉइजनस पोटेटो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वीट है कोल है कुछ कबाड़ है, कबाड़ को तो हम नहीं उठाने वाले। ये रही अगली डरावनी सीट, चल के देखते हैं इसमें क्या डरावना है। वर्ल्ड हमारा लोड हो रहा है, हम स्पॉन होते हैं एक पेड़ के पास, और यहाँ पे तो प्लेन्स बायोम है भाई, यहाँ पे और क्या है, आउटसाइड हम समुन्दर के बीच में स्पॉन हुए हैं। ओके, यहाँ पे कद्दू बीच में क्यों कटे पड़े, हेलो ये क्या बना है भाई सामने की तरफ, ये कुछ डरावनी चीज है यार, ये तो पानी के अंदर होता है, पानी के बाहर कैसे आ गया। ओके, लेकिन यहाँ चेस्ट है, इसके अंदर तो एक फिशिंग रॉड एंड ब्रेकिंग टूल लगी हुई है, और वीट पड़े हैं कुछ, तो सस्पिशियस सेंट पड़ी है यहाँ पे एक दो। आई होप आप सभी को आज की ये सारी सीट्स पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं हम एक और ऐसे ही खतरनाक सी स्केरी सीट्स लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।